तंत्र लोक के निकट पहुंचा तो लोकतंत्र जिंदा हुआ। आप लाख कोशिश कर ले, खेतों में खूब फसल उपजा ले, परंतु माहौल भय का हो तो सब बेकार होता है। यह 14 वर्ष पूर्व तक औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित गांवों के निवासियों से बेहतर कौन समझ सकता है। गांव में कोई समारोह हो या बारात लाने पर भी नक्सलियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। चुनाव बहिष्कार का फरमान हो गया तो लोग घरों में ही दुबके रह जाते थे। बूथों पर तैनात अर्धसैनिक बल के जवान और स्थानीय प्रशासन किसी तरह सुरक्षा का भरोसा देकर 10-20% मतदान करा पाता था। चुनाव बाद हिंसा या दंडित करने की खबरें भी खूब आती थी। यह अब बीते दिनों की बात हो गई। इस बार तो ग्रामीणों ने 100% मतदान करने की ठान ली है। देव प्रखंड के सटवट गांव में सुरक्षा बल का कैंप हो गया है। कंचनपुर में थाना खुल गया है। सुरक्षा बल का आवागमन होते रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो दूर जो पहाड़ दिख रहा है ना, उसके चारों तरफ CRPF का कैंप है। ऊपर पहाड़ पर जहां कभी देश विरोधी नक्सली डेरा डालते रहते थे, अब वहां सुरक्षा बल चौकन है। इसका मतलब यही है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में तंत्र लोक के निकट पहुंच गया और लोकतंत्र जिंदा हो गया। औरंगाबाद में 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इन गांवों में भी प्रचंड गर्मी का परवाना चढ़ा है तो चुनावी नारों की आवाज भी खूब सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि इस गांव के कई लोगों से बातचीत करने के बाद चुनावी हलचल पर लोगों का मानना है कि अब समय बदल गया है। पहले सुरक्षा कैंप नहीं हुआ करता था, लेकिन अब सुरक्षा कैंप होने से लोगों में भय का माहौल खत्म हो गया है। नक्सली दूर हो गए हैं। अब हर चीज यहाँ बदला बदला सा दिखाई पड़ता है। यही वजह है कि जिस औरंगाबाद में नक्सलियों का भय होता था, लोग मतदान करने नहीं जाते थे, अब वहाँ पर लोग भयमुक्त वातावरण में वोटिंग करते हैं। हालांकि पुलिस का पहरा तब भी होता था और पुलिस का पहरा अब भी है, लेकिन इस पहरा में वो खौफ नहीं जो पहले पुलिस के पहरे के बावजूद खौफ होता था। पहले नक्सली ऐलान कर देते थे कि चुनाव का बहिष्कार करना है तो कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन अब ना नक्सलियों की यह चेतावनी काम आती है और ना ही नक्सलियों की उम्मीदें पूरी हो पाती है, क्योंकि गांव के हर लोग अब सबल बन गए हैं। गांव के हर नौजवानों के हाथों में मोबाइल फोन और सेल फोन है, जिससे नक्सलियों के हर गतिविधि की सूचना पुलिस को तुरंत मिल जाती है और केंद्रीय बलों की मौजूदगी आम लोगों की हिम्मत को और बढ़ाता है। और यही वजह है कि बदले हुए परिस्थितियों में अब औरंगाबाद की फिजा भी बदली बदली नजर आ रही है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।